उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में इन दिनों प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। बीते कई दिनों से प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की टीम सरकारी जमीनों पर बने अवैध भवनों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने में लगी हुई है। वहीं गुरुवार को भी प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम बुलडोजर के साथ बन भूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में पहुंची और यहां अवैध रूप से बनी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने मस्जिद और मदरसे को तोड़ने का विरोध किया। इसको लेकर उनकी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ झड़प भी हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों से पुलिस पर पथराव भी किया, वहीं जेसीबी मशीन पर भी पथराव किया। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। वहीं हालात को बिगड़ता देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।